मैं अभी करीब 3-4 महीने से अलवर से बाहर ही था, लेकिन मजा कुछ और है अपने अलवर में प्रोग्राम करने का। हमारे घर के जब सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है। इस अलवर ने ही हमें ये मान सम्मान दिया, आगे तक बढ़ाया। कहते हैं कि जिसको भी मिला है वो मुकद्दर से मिला है, जिसको भी मिला है वो मुकद्दर से मिला है, और हमको तो ये मुकद्दर भी अलवर से मिला है। मेरे पूरे परिवार को जो संभाला है, काफी मान सम्मान मिला है। तो लीजिए पेश करते हैं कि सबसे पहले क्यों ना लूं अपने उस भगवान का नाम, सबसे पहले क्यों ना लूं अपने उस भगवान का नाम, और गाने में फिर में दीकर सुनने वालों को राम राम, सुनने वालों को राम राम। जी तो भाई जी, प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, वाह, प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, और प्रेम से प्रेम की फलते हुए जाई देखी। क्या बात है, प्रेम दर असल है, आदर्श है जीवन के लिए, कि प्रेम दर असल है, आदर्श है जीवन के लिए, और प्रेम में शांति मिलती है सदा के लिए, कि प्रेम ही पैर की दीवार हटा देता है। क्या बात है, और प्रेम ही दुश्मनी परसों की मिटा देता है, प्रेम इंसान को इंसान बना दे, और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। वाह, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। क्या बात है, वैसे तो सभी जानते हैं लेकिन जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, हम मुस्लिम होते हुए भी शिव जी के उपासक हैं, शिवरात्रि पर शिव स्तुति करते हैं। थोड़ा दिल में एक शब्द खटकता है, क्या, कि चारों तरफ देख लो वादों का वाद विवाद है, चारों तरफ देख लो वादों का वाद विवाद है, कहीं जातिवाद कहीं क्षेत्रवाद कहीं फैला आतंकवाद है, कहीं जातिवाद कहीं क्षेत्रवाद कहीं फैला आतंकवाद है, हिंदुओं का मंदिर मुसलमानों की मस्जिद, हिंदुओं का मंदिर मुसलमानों की मस्जिद, सिखों का गुरुद्वारा ईसाइयों का गिरजा, सिखों का गुरुद्वारा ईसाइयों का गिरजा, यहाँ गिरजा वहाँ गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा, ये चारों उसी के दर है जी चाहे जहाँ गिरजा, चारों उसी के दर है। असलम साहब जी, हाँ जी, एक बात और कही, हम लोग करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अच्छा, लेकिन एक भारत में खिचड़ी का नाम तो सबने सुना होगा, अच्छा, सुना है ना, आवाज नहीं आ रही है मुझे, सुना है, लेकिन एक खिचड़ी हमारा ये पूरा दल आपको खिलाना चाहता है। अच्छा, कौन सी खिचड़ी, वो अगर खा लोगे ना तो मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में लगेगा कि हाँ इंडिया है। कौन सी खिचड़ी है, कौन सी है, कि काम क्रोध मद लोभ हो साथ में भेदभाव को लीजिए, अच्छा, काम क्रोध मद लोभ हो साथ में भेदभाव को लीजिए, और इन चारों को धैर्य मुट्ठी में बांध लीजिए, ईमानदारी का चक्र लेकर इनको काट लीजिए, अकल के चूल्हे पे ज्ञान की हांडी को चढ़ा दीजिए, और उसके नीचे शांति की आग लगा दीजिए, उसके नीचे शांति की आग लगा दीजिए, एक ताका चम्मच लेकर उसको चला लीजिए, एक ताका चम्मच लेकर उसको चला लीजिए, भाईचारे की थाली में उसको परोस लीजिए, भाईचारे की थाली में उसको परोस लीजिए, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खान
खाने बैठा दीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खाने बैठा दीजिए, पानी पी के ममता का कह दो सबको साल से, पानी पी के ममता का कह दो ये सब साल से, और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अश्रम साहब जी, हमारे हिंदुस्तान के जी आप कुछ कहेंगे? क्या बात, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, और मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, वाह, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, हमारे प्यार से जलने लगी है ये दुनिया, और दुआ करो किसी दुश्मन की बद्दुआ न लगे। क्या बात है, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आस पास की लहरों को भी पता न लगे। बाबा, आस पास की लहरों को भी पता न लगे, पता नहीं लहर कहाँ से उठ जाए। अच्छा अश्रम साहब जी, ये जो जमाना है ना, आज के टाइम पे बहुत बदल गया, कलयुग आ गया ना, कैसे है पूरा जमाना बदल गया है, और हमारे जमाने में आज के टाइम पे क्या होता है आपको मालूम है? क्या होता है? अरे कैसो, अरे आगो रे जमानो, हमारे गांव में एक औरत अपने पति को पूनिया का भाया बोलती है, यानी कि उसके लड़के का नाम पूनिया था। अच्छा, और अपने इस कलयुग के बारे में बता रही है, और पूनिया का भाया रे, पूनिया का भाया, और पूनिया का भाया रे, पूनिया का भाया, अरे कैसो, अरे आगो रे जमानो या पूनिया का कि भैन बुआ तो घर पे आवे देवे नहीं रुपया, भैन बुआ तो घर पे आवे देवे नहीं रुपया, ये आज का टाइम है, कि भैन बुआ तो घर पे आवे देवे नहीं रुपया, भैन बुआ तो घर पे आवे देवे नहीं रुपया, और जो घर पे आ जाए छोटी साड़ी, जो घर पे आ जाए छोटी साड़ी, दिन भर चले कढ़ैया के दसे तो आगोरे पहले। अच्छा। मंदिरों में आरती हो रही है, पूजा हो रही है, बिल्कुल, लेकिन आज का टाइम पता क्या है? अब क्या है? भजन कीर्तन छोड़ दिया, सब सुओं में ओढ़ रजैया,
भजन कीर्तन छोड़ दिया, सब सोवे ओढ़ रजैया। भजन कीर्तन छोड़ दिया, सब सोवे ओढ़ रजैया। भजन कीर्तन छोड़ दिया, सब सोवे ओढ़ रजैया। और जो घर के आगे डीजे बाजे, वाह ये खास बात है, और जो घर के आगे डीजे बाजे नाचे डोगी डुबैया जैसो आपके बीच में लोगी पुनिया का भाया। टाइम रहेगा तो मैं एक और गाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये तार का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए हमें जाना जाता है, अलवर से पहचान मिली। आज आपके सामने पांच भपंग वाले एक साथ हैं, ऊपर वाले का शुक्र है, दादाजी पापा ने जो नाम किया मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, वो नाम डूबे ना, उनकी बराबरी हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके नाम को डुबाने का हमने जिम्मा भी नहीं उठाया, बस नाम को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो यलवर है, हमारा पूरा साथ भी दे रहा है इसमें। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा, चाचा है, छोटा भाई है, ये चाचा का लड़का है, बेटा है, साथ में भी मुकाबला करेंगे, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। पहले दो बोल छोटे बच्चे के आपके सामने प्रस्तुत है। हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ, अब दोनों बच्चे हैं साथ में।